प्रणाम दाऊ, प्रणाम भाभी माँ। आज तुम्हारी बांसुरी की तान में इतना दुख कैसे? भाभी माँ, दुख बंसी की तान में नहीं, दुख तो संसार में है, हर ओर है। कहीं निर्धन होने का दुख, तो कहीं सब कुछ होते हुए भी शांति न होने का, कहीं निर्बल होने का दुख, तो कहीं बलशाली होते हुए भी असहाय होने का, कहीं संतान न होने का दुख, तो कहीं संतान के होते हुए भी मां की आंखों में उसकी पीड़ा का दुख। दाऊ, हर आंख में कहीं ना कहीं एक आंसू छुपा है। यदि आज ईश्वर भी धरती पर होते तो उनका भी मन रो रहा होता। तो मैं और मेरी बंसी क्या चीज है भाभी माँ? एक बात मेरी समझ में कभी नहीं आती, जब ईश्वर ने खुद सृष्टि को बनाया है तो अगर उसमें सृष्टि को रचने की शक्ति है तो दुखों को हरने की शक्ति तो अवश्य होगी, फिर ईश्वर सबके दुख छीन क्यों नहीं लेते? भाभी माँ, ईश्वर एक जीवन को धरती पर खाली हाथ भेजते हैं। ये तो मनुष्य का कर्म होता है, इसका फल उसे इस जीवन में या तो अगले जीवन में सुख या दुख के रूप में मिलता है। जैसा मनुष्य का कर्म होता है वैसा ही फल उसे मिलता है, यही जीवन का चक्र है। यदि ईश्वर मनुष्य के जीवन से सुख दुख ही छीन ले तो वो कर्म क्यों करेगा? और बिना कर्म के तो मनुष्य मरे समान है। मेरा एक प्रश्न है कृष्ण, अगर ईश्वर ही सब कुछ करवाता है तो फिर बुरे काम करने के बाद हमेशा ईश्वर फल के रूप में दुखी क्यों देता? दाऊ, ईश्वर कर्म करवाते नहीं, कर्म करने की शक्ति और बुद्धि देते हैं। जब भी मनुष्य अपने किसी कर्म का दुख भोगता है तो सीधे उलाहना देते हुए भगवान को कहता है कि हे भगवान, तुमने ये क्या किया? लेकिन भगवान कुछ नहीं करते दाऊ। भगवान तो मनुष्य को हर काम से पहले दो राह दिखाते हैं, एक सत्य की राह मुश्किलों से भरी, दूसरी आसान लेकिन गलत राह। ईश्वर ने तो मानव को बुद्धि दी है कि वो सही और गलत की पहचान कर सके, पर मनुष्य के अंदर का लोभ, उसका आलस, हठ और क्रोध जब उसकी बुद्धि हर लेता है तो वो गलत राह का चयन करता है और अंत में दुख पाकर ईश्वर को ही दोष देता है। जबकि कर्म भी उसका और कर्मों का चुनाव। यदि मनुष्य आत्मा की निर्बलता पर विजय पाकर सही राह का चयन करे तो भले ही उसे रास्ते में कठिनाइयां मिलेंगी, परंतु अंत में उसे सुख ही मिलेगा।